दोस्तों नमस्कार, मैं वारिस खान। हमारे कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि निदा फाजली जी ने एक बड़ा ही प्रसिद्ध शेर कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, पर इस 10-20 गुणों को लाखों करोड़ में कोई एक ऐसा शख्स होता है जो समझ पाता है। वैसे ही शख्सियत श्री राजवेद जी हमारे बीच मौजूद है। राजवेद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भाई धन्यवाद आपका। एक पेट्रोल पंप के संचालक हैं, समाज सेवा, राजनीति, पूर्व एल्डरमैन, रिकॉर्डिस्ट, कॉटन वर्क सप्लाई और बहुत सारे कामों को करने के बाद अब राजनीति में कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे राजवेद जी, इतने सारे क्षेत्रों से आने के बाद कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए, ये सब संघर्ष का परिणाम है। आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति का भी थोड़ा सा हाथ तो है, और ख़ुद की मेहनत और अपने बलबूते पर ये मुकाम मैंने पाया है, और आप जैसे सब भाइयों का सहयोग, साथ और विश्वास रहा मेरे प्रति, जो आज मैं पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा हूँ। और खंडवा में निवास करता हूँ। मेरा पेट्रोल पंप यहाँ से दूर 60 किलोमीटर दूर नर्मदा फ्यूल्स पटाजन के नाम से बैतूल नागपुर हाईवे पर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा राजवेद जी कि आप हमें बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके पारिवारिक परिदृश्य क्या रहा, क्या स्ट्रगल रहा आपका बचपन? भाई, परिवार जो था वो कोई बहुत धनाढ्य या जिसको कहना चाहिए कि अमीर परिवार से तो मैं नहीं हूँ। अच्छा। गरीबी मैंने भी देखी है। अच्छा। और मेरे फादर एक बहुत छोटी सी नौकरी करते थे, PWD में थे, हेड क्लर्क, वहाँ से हेड अकाउंटेंट हुए वो और फिर रिटायर हुए। इस बीच हम लोग रहा करते थे NVD कॉलोनी में, क्योंकि पापा की सर्विस थी तो हम लोग सब वहाँ इकट्ठे रहा करते थे। वहीं राजनीति के विधायक परम आदरणीय श्री विजय शाह जी से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ से मैंने अपना राजनीतिक जीवन भी स्टार्ट किया। तो आपका परिवार शुरू से खंडवा में ही रह रहा है? जी, हम लोग पुश्तैनी खंडवा से ही हैं। अच्छा। और चूंकि राजनीति सब करते थे तो मैंने भी करना चालू की, और उसमें हुआ ये कि राजेश जी डोंगरे हमको राजनीति के क्षेत्र में लाए। हमारे गुरु राजेश जी डोंगरे कहलाएंगे इस हिसाब से। बाकी NVDA कॉलोनी में जब पापा की नौकरी के कारण रहते थे तो वहाँ से मेरा जुड़ाव हो गया विजय शाह जी के साथ। माननीय विजय शाह जी आज वन मंत्री भी हैं, और मैं करीब 7-8 साल तक उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ काम करते रहा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा आपका? शिक्षा बचपन से ही हम लोग जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, लाला लाजपत राय नंबर 1, वो खंडवा की सबसे अच्छी स्कूलों में मानी जाती थी। अच्छा। तो हमारी जो न्यू गली पढ़ाई की, वो न्यू हमें आज इस मुकाम तक लाई है। लाला लाजपत राय का हर बच्चा, आप इतिहास उठा के अगर किसी से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि वहाँ से निकला हर बच्चा अपने अपने मकाम पर किसी न किसी क्षेत्र में बहुत आगे है। उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर आपने क्या फिर किया? पढ़ाई के बाद में मैं एक रिकॉर्डिंग का काम करता था खंडवा में, बहुत फेमस आदमी हुआ करते हैं श्रीनिवास अग्रवाल, उनका, हाँ जी, उनका मैं चीफ रिकॉर्डिस्ट हुआ करता था। वो अमीन साहब की आवाज़ में विज्ञापन बनाया करते थे। वहाँ से फिर मेरे एक मित्र हैं जगदीश खंडेलवाल, उनके साथ जुड़कर कॉटन के कामकाज में आया। बहुत समय तक कोयम्बटूर कॉटन का कामकाज करते रहा। उसके बाद जब वहाँ से मन भर गया, मैंने कहा कुछ नया करने की सोचते हैं, तो फिर राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। ठेकेदारी भी की, स्टेशनरी सप्लाई का कामकाज भी किया। बहुत से कामों को करते करते आज इस स्थिति में पहुँचा हूँ कि एक पेट्रोल पंप का व्यवसाय मैं अपने हाथ में। अभी आपने बताया कि आपने रिकॉर्डिस्ट का भी भूमिका निभाई है। जी। तो आपको क्या लगता है कि वो एक अजीब फील्ड थी और ये राजनीति एक अलग फील्ड आई है, दोनों में एकदम अचानक से कैसे आ गया आप टर्न? नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर कुछ करने की इच्छा है इंसान तो कहीं से भी कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा। अगर करने की इच्छा मन में है तो। उस वक्त समय में रिकॉर्डिंग में इतना बिजी रहता था कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12-12 बजे तक केवल वही जहन में रहता था कि रिकॉर्डिंग करना है, विज्ञापन बनाना है, डायलॉग लिखना है, स्क्रिप्ट बनाना है। अच्छा, स्क्रिप्ट डायलॉग वगैरह भी लिखते थे? जी 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 जी, उस वक्त के टाइम पे असल में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा। तो उस राइटिंग की वजह से मैं श्रीनिवास भाई साहब के साथ जुड़ा था और उन्होंने मुझे
कभी अमीन साहनी जी से मुलाकात हुई आपकी? जी मेरी मुलाकात हुई, दो तीन चक्कर हुई, एक बार बॉम्बे भी हुई, एक बार वो खंडवा आए थे तब भी हुई, उनके स्टूडियो में भी जाने का मौका मिला, उनके स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करने का भी मौका मिला। जी जी उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का मौका मुझे मिला है। कैसा रहा आपका वो अनुभव? देखिए वो अब वो तो करोड़ों का स्टूडियो है और वो स्टूडियो की कल्पना तो हम कर भी नहीं सकते थे। जब हम रिकॉर्डिंग करते थे और उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो को देखा तो एहसास हुआ कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का स्तर जो होना चाहिए वो अमीन साहब जैसा होना चाहिए। कि अमीन साहब अपने आप एक बड़ी शख्सियत हैं आवाज़ की दुनिया के अंदर, उनका एक अपना एक नाम है, एक अलग पहचान है उनकी। जी जी। उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग के बाद फिर आप अचानक से कॉटन की लाइन में आ गए। कॉटन में भी आ गया। तो आपको अब आपने बताया कि आप एक मध्यमवर्ती परिवार से थे, कॉटन की लाइन में आए, तो क्या किसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया आपको? जी उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मेरा नहीं था, फाइनेंशियल जगदीश खंडेलवाल मेरे मित्र थे, वो सब उनका कामकाज था जो मैं संभाला करता था। अच्छा। बाकी उस वक्त के टाइम पे जो काम संभालने का मौका मिला तो उसने भी मुझे बहुत आधार दिया। अच्छा। आज जो पंप का मालिक हूँ उसमें उस आधार का बहुत बड़ा योगदान। अच्छा, अच्छा। जी फिर कॉटन के बाद फिर आपने फिर कहाँ टर्न लिया? फिर फील्ड चेंज की राजनीति में, जब हरसूद की राजनीति करने से मुझे कोई मेरा भविष्य नजर नहीं आ रहा था। खंडवा में थे? जी हरसूद की राजनीति विजय शाह जी के कारण करता था। फिर उनसे ही मैंने एक बार रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मैं अगर हरसूद की राजनीति करूंगा तो मैं पंच भी नहीं बन पाऊंगा। अच्छा। तो मेरे को खंडवा की राजनीति करने दीजिए। उन्होंने खुद आगे होकर मुझे बोला कि नहीं नहीं रत्नेश, तुमको अगर करना है तो तुम जरूर खंडवा से राजनीति करो। फिर खंडवा की राजनीति में पुरुषोत्तम जी शर्मा और नंदकुमार सिंह चौहान से डायरेक्ट जुड़ा। अच्छा। पुरुषोत्तम जी शर्मा के साथ रह गए। नंदकुमार सिंह जी तो ब्रह्मपुर से बिलोंग करते जी, सांसद तो खंडवा के थे। अच्छा। जी सांसद खंडवा के होने की वजह से और पुरुषोत्तम भाई के साथ जुड़ा होने की वजह से मैं नंदकुमार सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक काम करते। कितने समय तक काम किया? करीब 8 वर्ष। अच्छा। जी बड़ा लंबा और जी लंबा समय गुजारा। उस दरमियान में आपने कोई चुनाव वगैरह लड़े? नहीं नहीं नहीं, चुनाव मैंने कोई भी नहीं लड़ा। अच्छा। उसके बाद में किन्हीं कारणवश, अब उन कारणों को तो हमें बता नहीं सकता। जी जी। मैं डायरेक्ट माननीय हुकुमचंद जी यादव जी से जुड़ा। अच्छा। और उनसे जुड़ने के बाद में हुकुमचंद यादव जी हुकुम पहलवान? जी हुकुम पहलवान, लोग जिन्हें हुकुम पहलवान के नाम से जानते हैं, खंडवा में वो विधायक रहे हैं और उनके बारे में लगभग सभी जानते हैं। जी बिल्कुल। और उनसे मैं जुड़ा तो मेरा आज तक का कैरियर उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ है। काका से जुड़ने के बाद में मैं राजनीति में किसी के पास नहीं गया। इस बीच कोई राजनीति के अंदर कोई बड़े पद पर हैं आप? जी मुझे काका ने एल्डरमैन बनवाया था। अच्छा। और मैं नगर निगम खंडवा का एल्डरमैन के रूप में प्रतिनिधि। कितने समय रहे एल्डरमैन? 5 साल। अच्छा। हाँ, जो एक पार्षद की अवधि होती है। अच्छा। उसी अवधि तक मैं एल्डरमैन रहा। फिर उसके बाद फिर आपको ऐसा लगा नहीं कभी चुनाव लड़ना चाहिए? जी नहीं, जी नहीं, पिछले बार सोचा भी था, बाकी वो मेरे से हो सकता कोई और अधिक योग्य हो तो उसको टिकट दे दिया गया था, मैंने कहा ठीक है उसको दे दीजिए। तो फिर उसके बाद में मैंने अब चुनाव न लड़ने की ही सोच रखी है कि चुनाव मतलब नहीं। आप किंग मेकर बनना चाह रहे हैं? जी ये सोच लीजिए आप कि किंग मेकर बन जाए, भगवान करे आपकी ये दुआएं काम आ जाए और हम किंग मेकर बन जाए तो और अच्छी बात है। ये तो आपके राजनीति उसके बाद थी, अब हम आपकी बात करेंगे परिवार के। परिवार में कौन कौन सदस्य थे? जी परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। जी पत्नी का नाम संध्या, बेटे का नाम पर्व और बिटिया का नाम राधे। हम 4 लोग हैं। मम्मी पापा का निधन हो चुका है और 2012 में मम्मी शांत हुई थी, 2006 में मेरे पापा शांत हुए थे। उसके बाद से अब जो भी है हम लोगों का, 4 लोगों का परिवार है छोटा सा। आपके बच्चे वगैरह उनको आपने कहाँ पढ़ाया? जी अभी मेरे दोनों बच्चे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिटिया 9th में है और मेरा बेटा 7th में है। अच्छा। जी क्या उनको लेकर आपने क्या प्लानिंग कर रखी? जी उनको लेकर प्लानिंग यही है कि भविष्य में या तो मेरा बेटा मेरा पंप संभालेगा, कोशिश तो यही है कि वो पढ़ लिख के कोई भी अच्छी नौकरी करे, इससे अच्छा ये है। धंधे तो सर क्या होता है, व्यापार एक लाभ और हानि का धंधा है। जी इसमें तो डिपेंड करता है आपका व्यवहार, आपका नेचर, आप कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। जी जी ये सब डिपेंड करता है उसके जी। इसके अलावा खैर आपका इतना अच्छा नेचर है, लोगों से आपका मिलनसारिता है, तो आपके संतान भी उसी दौर में गुजरेगी। चाहूँगा कि मेरे गुण उसमें भी आए। ये तो सर DNA तो आते ही है सर, इसमें तो कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार हो गया, राजनीति हो गई, अभी फिलहाल वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप फिलहाल मेरा पेट्रोल पंप का व्यवसाय है और मैं पूरी तरह से उसी में संलग्न हूँ और कोशिश ये है
कि अपने धंधे को और अच्छी तरह से बढ़ाऊँ आगे, और मेरा बेटे को इस लाइन में नहीं लाने देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो कोई अच्छी बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके, बिटिया को डॉक्टर बनाने का मन है और बेटे को भी कोई अच्छी नौकरी करवाने का मन है कि IAS IPS जैसी नौकरी करे, तो मेरे को भी गर्व हो कि ये मेरा बेटा है। आपने 1990 में राजनीति करियर के अंदर आप आए थे और अब 2020 चल रहा है जी, ये पूरा 30 सालों का बीच में गैप हो गई जी। आप क्या मानते हैं उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति? आज की राजनीति और उस वक्त की राजनीति में बहुत फर्क है। उस वक्त की राजनीति में अमूमन ये होता था कि हर कार्यकर्ता को नेता बहुत इज्जत देता था, बहुत सम्मान देता था। आज की राजनीति में ये हो गया है कि अगर बैग उठा सकते हो आप तो आप राजनीति कर लो, और बैग उठाते नहीं बनता तो आप राजनीति मत करो। आगे भविष्य में युवाओं के लिए क्या आप? युवाओं के लिए यही संदेश कि राजनीति करे, अच्छी करे, खूब करे, राजनीति के रूप में समाज सेवा करे, और उस समाज सेवा से लोगों को लगे कि वाकई में ये शख्स जो है ये राजनीति का सही लाभ लोगों को दे रहा है। कभी आपके मन में ऐसा मलाल आता है कि मैं एक अच्छा रिकॉर्डिस्ट बन जाता तो आज बड़ा नाम होता और मैं कहाँ राजनीति? मलाल तो नहीं है, बाकी ये है कि हो सकता है कि उस पर खंडवा भी छूट जाता, हो सकता है मैं बॉम्बे का बाशिंदा हो जाता, आज मैं आपके इस स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहा होता। मतलब हो सकता कि मैं आपको बुला के आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता। मतलब मैं मानो कि मतलब हमारे चैनल पे रिकॉर्डिंग करने के लिए ईश्वर ने आपको मतलब राजनीति? नहीं, ये कह सकते हैं, बाकी अच्छा ये होता कि मैं उस वक्त आपको वहाँ बुला के आपकी रिकॉर्डिंग करता। चलिए, एक अच्छी बात है। अब आप हमें बताइए कि आपका अभी भविष्य में क्या प्लानिंग है और राजनीति से हटके समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करना? समाज सेवा के क्षेत्र में भी हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई गरीब तबके के व्यक्ति को अपनी आवश्यकता है तो उस किसी भी रूप में, चाहे तन धन मन से, तो मदद आगे होके करना चाहिए। क्या है कि अगर आप इस लायक हो चुके हो कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो अवश्य करना चाहिए। समाज सेवा के क्षेत्र में कोई आपका अचीवमेंट ऐसा हो तो बताइए आप उसमें। समाज सेवा में क्या, मैं नारबंदी समाज से हूँ और मुझे नारमदी रत्न युवा उद्योगपति होने के नाते में दिया गया था समाज द्वारा। कब दिया गया? समाज ये 1900, ये समझिए 99-2000 की बात है। अच्छा अच्छा जी, मुझे नारमदी रत्न भी दिया गया था। कहाँ पर हुआ था सम्मान आपका? खंडवा में। खंडवा में जी, खंडवा समाज ने किया था मेरा सम्मान, और सामाजिक गतिविधियों में भी जुड़े रहते हैं। जो भी आयोजन समाज के होते हैं समय समय पर उन पर अपनी उपस्थिति में दर्ज कराते रहता हूँ। और चूंकि निमाड़ जो क्षेत्र है हमारा वो नारमदी समाज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और निमाड़ नीम की आड़ के रूप में निमाड़ है, बाकी इस क्षेत्र में इन्हें पूर्व और पश्चिम निमाड़, मतलब खरगोन को पश्चिम निमाड़ बोला जाता है, इसको पूर्व निमाड़ बोला जाता है। तो पूर्व निमाड़ में नारमदी समाज की अधिकता होने की वजह से यह समाज का बहुत अच्छा वर्चस्व है। करीब 20,000 से 25,000 पॉपुलेशन समाज की है। अब आपके व्यापार को लेकर हम बात करेंगे, तो व्यापार में क्या आपके मन में कोई ऐसी और जिज्ञासा है कि जो आप चाहते हैं कि मतलब खंडवा शहर के अंदर एक ऐसा कुछ नई चीज़ आनी चाहिए? खंडवा शहर में उद्योग के बहुत सारे चांसेस हैं। देखो, खंडवा में पानी, बिजली और ज़मीन तीनों उपलब्ध हैं। अगर कोई विचार करे कि यार इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के नए उद्योग और नए धंधे डाल सकते हैं तो वो करना चाहिए, क्योंकि पुनासा डैम के पास आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी ज़मीनें मिल जाएगी, सस्ती दरों पे मिल जाएगी, वहाँ पानी भी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है। एक उद्योग के लिए आवश्यकता पानी और बिजली की ज़्यादा होती है, जमीन किस तो, उद्योग को प्रिपेयर करेंगे आप अगर हम आपसे पूछें? अब ऐसी कोई अभी प्लानिंग तो मैंने की नहीं है, बाकी फिर भी खंडवा आपके लिए नहीं कि युवाओं के लिए हम चाह रहे हैं कि आप युवाओं को मार्गदर्शन के तौर पर बताएं कि ऐसे किस उद्योग में जाना चाहिए जिसमें जल्द उनको प्रोग्रेस मिले। खंडवा शहर में अगर पहले अपने यहाँ दाल मिल, कॉटन मिल बहुत आयत में हुआ करती थी, क्या कारण रहे कि ये पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र गए, यहाँ पे पानी बिजली इनकी उपलब्धता उस वक्त नहीं थी। अच्छा। अब है, और जितने भी उद्योगपति खंडवा में हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो बजाय बाहर करने के वो खंडवा शहर या खंडवा के आसपास इन उद्योगों को स्थापित करें तो निश्चित रूप से खंडवा का विकास होगा। तो ये थे हमारे बीच में आज की हमारी शख्सियत राजवेद जी, जिनसे हमने उनके जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में और नए उद्योगों के बारे में जानकारी ली।
तो राजेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में बताने के लिए, और आपका भी धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझा और आज आपकी मौका दिया। तो ये था हमारा कार्यक्रम शख्सियत, आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।